हम स्मॉल लेक्चर लेंगे आज 20 मिनट्स का, क्योंकि ऑल स्टूडेंट आर कंपल्सरी, और आज का टॉपिक बहुत अच्छा था तुम्हारे रिलेटेड, तो बहुत सुना सुना था, बहुत बार तुम लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किए होंगे, कहीं कहीं तुम्हारे पेरेंट्स के मुँह से सुने होंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स करके, बेनिफिट ऑफ इंडियन जॉब एंड इंडियन गवर्नमेंट जॉब, तो रहता है PF, प्रोविडेंट फंड। क्या होती है चीज मैं बताता हूँ, मैंने कि तुम्हें जो सैलरी मिलने वाली रहती है, मेरी सैलरी इज पर मंथ 50,000 रुपीज। इस 50,000 में से सम अमाउंट एज प्रोविडेंट फंड की असाइड की जाती है। Maybe the consider ये 50,000 का 12,000 provident fund side किया गया from employee। मैं employee की बात कर रहा हूँ, not employer। तो ये जो amount रहेगी, आवाज आ रही है ना मेरी? Hello? आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. ओके ठीक है समझ में आया मुझे। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय 12,000 एम्पसाइज करता है एज पर द रूल प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, इतने ही 12,000 एम्प्लॉयर तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करता है। 24,000 हो गए प्लस प्रोविडेंट फंड में प्रॉमिस कहती है कि जब तुम रिटायरमेंट लोगे आफ्टर द 60 ऑफ योर एज, जब तुम रिटायर्ड हो जाओगे और तुम्हें जॉब से निकाला जाएगा, तो इसकी डबल अमाउंट तुम्हें एज अ बक्स या एज अ इंस्टॉलमेंट पर मंथ पेंशन दी जाएगी। तो 24,000 मल्टीप्लाई टू करेंगे तो हो जाता है 48,000 पर मंथ, या 48,000 ये एक मंथ का निकला, एक मंथ की सैलरी उसमें से। तो इसके लिए तुम्हें क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तुम्हारी 50,000 की जो सैलरी होती है उसमें से 12,000 तुम्हें की असाइड एज एन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ देना पड़ता है। ईपीएफ बोला जाता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। बैंक में जो चालू रहता है उसको पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये थोड़ा अलग होता है, ये पब्लिक के लिए, ये एम्प्लॉयज के लिए स्किप होते रहता है। इसका फायदा क्या है कि तुम्हें जब सैलरी मिलेगी, 50,000 सैलरी है बोल सकते हो, मुझे 50,000 सैलरी है अच्छी लड़की मिलने के लिए, लेकिन उसमें से 12,000 तुम्हें कम मिलते हैं। तुम्हें एग्जैक्ट अमाउंट कितनी मिलती है? 38,000 ऑन हैंड तुम्हें सैलरी मिलती है, जिसमें तुम्हें पूरा मंथ निकालना होता है, और वो जो 12,000 है वो 38,000 की तरह जब तुम रिटायर हो जाएंगे, मे बी तुम्हारे बच्चे तुम्हें नहीं संभाल पाएंगे, तो उस टाइम में जैसे तुम काम करने के 50,000 लेते थे, वहां काम किए हो, बेस्ट एम्प्लॉई हो, पर मंथ 48,000 पीएफ लेते हो बिना काम के, रिटायर्ड पर्सन, जैसे तुम्हारे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जैसा पोस्ट ऑफिस में कोई काम किया होगा वगैरह, तो देखो अभी वो लोग बुढ़े हैं लेकिन बिना जानदार है कि वो सीधा हाथ से बोलते हैं, हम तुम्हारा नहीं खाते, मैं मेरे बच्चों का नहीं, मेरा कमाया हुआ खा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उस वक्त उन्होंने पीएफ जमा किया हुआ है जो अभी उनको मिल रहा है, लेकिन उसके रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो एक्ट 1952 में बनाए हुए हैं उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट कंसेप्ट है, छोटी सी कंसेप्ट है, प्रोविडेंट फंड किसको दी जाती है, कैसे दी जाती है। तो अगर एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम्हारी सैलरी में से अब ये जो अमाउंट है ये डिसाइड करते हैं तुम लोग। अब मैंने डिसाइड किया मेरी सैलरी का 12,000, तुम लोग मे भी डिसाइड कर सकते हो इट इज 10,000, मे बी 15,000, एज पर योर एक्सपेंडिचर, एज पर योर लाइफस्टाइल, एज पर योर एक्सपेंसेस। अगर तुम्हारे हाई एक्सपेंसेस है तो तुम सेविंग कम करोगे, ये अमाउंट कम हो जाएगी, मे बी 10,000 हो जाएगी। उसमें एम्प्लॉयर 10,000 उसके ऐड करेगा कि उसकी फर्म में तुम काम करते हो, तुम्हारी अमाउंट हो जाएगी 20,000, और उसका डबल अमाउंट एज अ रिटायरमेंट फंड 40,000 मिल सकता है।
मे भी तुम वो इंक्रीज कर दो कि मुझे अभी ज्यादा खर्चे नहीं है, मैं भी कमा रहा हूँ, मेरे फादर भी कमा रहे हैं, इनकम ओरिएंटेड है, घर है, बंगला है, सब कुछ है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं है, ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं है, तो तुमने कंसिडर किए 15,000। ओके, तो एम्प्लॉयर तुम्हें देगा 15,000, हो गए 30,000, मल्टीप्लाई बाय टू इट्स बिकम 60,000, तुम्हें रिटायरमेंट में मिलेंगे, जबकि सैलरी 15,000। इट इज डिपेंड ऑन योर परचेसिंग पावर, कि तुम खरीदने के लिए कितना पैसा उड़ाते हो और सेविंग कितना करते हो। शॉर्ट कैलकुलेशन मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन ये कैलकुलेशन करते हुए तुम्हें कौन कौन सी बातों को याद रखना होता है, ये हम डिस्कस करेंगे आज के चैप्टर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट एक्ट 1952 में। तो इंडस्ट्रियल लॉ का तुम्हारा 14 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। ओके, द फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। The first object is this act even save the provision for the future and industrial worker. तो एक provision बनाता है, provision means provision, बहुत बार सुने होंगे provision for IDD, क्या होता है provision इस वर्ड की मीनिंग, provision for employee फ्यूचर, तो एम्प्लॉय का प्रोविजन होता है इसमें, प्रोविजन यानी सोचा हुआ, समझा हुआ, टिपिफाई किया हुआ फॉर फ्यूचर ओरिएंटेड अमाउंट, ये फ्यूचर में होने वाली कोई नुकसान या लॉस को रिकवर करने वाले अमाउंट। डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट यानी ऐसे दोस्त जो खाते हैं पैसे नहीं देते, उनके लिए आप पहले 500 रुपए बाजू जेब में रखते हैं, ये गधा फंसा है ना और हमें बर्तन धोने पड़ेंगे, उससे अच्छा 500 अलग रखो। देन द प्राइमरी ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, इसलिए सोशल सिक्योरिटी इस वर्ड को यूज किया हुआ यहाँ पे, वाई, कि वो सोसाइटी में रहने वाला बंदा रहता है, जो कुछ भी उसके साथ हो जाए तो उस टाइम पे खुद को अनबैलेंस या लेस अमाउंट पर्सन का काउंट करे। इट मींस मे बी अगर अचानक उसके घर में कोई बड़ी बड़ी बीमारी आ गई, तो उस बीमारी से फाइट करने के लिए उसको नंबर ऑफ डिजीज से फाइट करने के लिए मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट लगेगी, उस टाइम पे वो उस बेस ऑफ प्रोविडेंट फंड लोन लेके, पीएफ का लोन लेके या एम्प्लॉय वर्किंग काम करके वो खुद को बचा सकता है, depend on the rate of employee amount. Okay, in short, agar in short dekhenge, in short dekho kya kya hai iske andar, the first short is this act take for the need of future, need of future kya hota hai, dekho pehla future kya hota hai, ya the retirement, second family obligations, third financing of insurance policy, for Medicare, insurance यहाँ ऊपर सब बातें बताया कि वो मेडिकेयर कर सकता है, एक इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट की तरह रहता है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए फ्यूचर ओरिएंटेड पैसा जमा होता है, हाउसिंग फाइनेंस हो सकता है, इन शॉर्ट फ्यूचर ओरिएंटेड जो तुम्हें पैसे की जरूरत लगने वाली है वो इस सेविंग में रिकवर हो जाती है। ओके, देन मीनिंग ऑफ प्रोविडेंट फंड, क्या है प्रोविडेंट फंड,
सिंगुलरली प्रोविडेंट फंड। ऑब्जेक्टिव के बाद हम डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ प्रोविडेंट फंड पीएफ क्या एग्जैक्ट में मीनिंग, तो सुनो, द एक्ट डज नॉट एक्सप्लेन द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ प्रोविडेंट फंड, बट प्रोविडेंट फंड इज अंडर द एक्ट 1952 अ फंड व्हिच सब्सक्राइब और डिपॉजिट ऑफ एनी क्लास, सब्सक्राइब और डिपॉजिट फॉर एनी क्लास फ्रॉम हिज सैलरी, ऐसी अमाउंट उसकी सैलरी से अलग की जाती है फॉर फ्यूचर ओरिएंटेड सेविंग, एंड सेविंग इज कन्वर्टेड इनटू द इट्स इनकम इन टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ओके, द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 प्रेजेंटली कंसिस्टिंग ऑफ थ्री एम्प्लॉयज, तो उसको तीन स्कीम में बनाया हुआ है। द फर्स्ट स्कीम इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 यानी कॉमन फंड, then second scheme employee deposit linked insurance scheme 1976 and employee pension scheme 1995 earlier family 1971। ab in teen scheme ki baatein zara hum discuss karenge। pehli scheme kya hai dekho, scheme number 1 1952 simple scheme hai jo pehle banayi gayi, then scheme scheme 1976 and scheme 1995 jo revised 1971। okay suno, pehli scheme ye abhi ki scheme hai, iske andar tumhe lump sum amount lakhs mein di jati hai। ab ye kaise di jati hai, jaise maine solution bataya ki wo 12000 ka 48,000 होता है पर मंथ, ऐसे तुम कितने साल हुआ काम किए, मे बी कंसिडर करो 10 साल, तो 48,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इयर्स 4,80,000 नेट अमाउंट एज अ प्रोविडेंट फंड उस बंदे को मिलेगी। अगर ज्यादा साल काम किया होगा अमाउंट एग्जिट इंक्रीज होती रहती है। ओके, इस तरह से डायरेक्ट लमसम बक्स अमाउंट मिलती है और प्राइवेट सेक्टर में इस टाइप की स्कीम को फॉलो किया जाता है। देन स्कीम 1956 में देखो क्या होता है, स्कीम 1956 ओनली फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट है। इसमें क्या किया जाता है, गवर्नमेंट सर्वेंट को दो टाइप से ग्रेजुअली दी जाती है, एक तो लमसम अमाउंट जो 50% रहती है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी लाख से स्टार्ट होती है, अभी जो उनकी जैसे महंगाई बढ़ती है उनकी सैलरी बढ़ती है, इसलिए महंगाई के ऊपर कुछ किया नहीं जा रहा है। इन्फ्लेशन की इन्फ्लेशन और हाई द रेट ऑफ सैलरी ऑफ वेजेस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स आल्सो हाई। ओके, तो अभी जिससे कि पेरेंट्स टीचर्स वगैरह रहेंगे तो बताओ मत मुझे, सिर्फ घर में पेरेंट्स से पूछ लेना, तो उनकी करंट सैलरी जो रहेगी मिनिमम मोर देन 75,000 पर मंथ रहेगी। इतना तो फॉरेन वाले भी नहीं कमा रहे तुम्हारे पेरेंट्स, ये बात याद रखो, बिकम गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये जो 75,000 सैलरी रहती है ये पर मंथ है, इसमें से अगर उन लोगों ने 20,000 पर मंथ भी पीएफ बाजू कर दिया तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 हर साल का उनका पीएफ कितना कट होगा, भी 2,40,000 का पीएफ कट होगा, ये उनकी सैलरी से कट हुआ। इस उतनी से अमाउंट वो एम्प्लॉयर यानी वो बिजनेस मैन लेता है उनको, तो हो जाते हैं 4,80,000, ये हर साल 4,80,000। और एनी टीचर स्टाफ या जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट रहता है 4,80,000 मिनिमम 10 साल तो एक जगह काम करता है, तो ये हो गए 48 लाख। 48 लाख ये जो अमाउंट है इसको डबल करने के बाद जितनी अमाउंट होगी उतनी एज अ पीएफ गवर्नमेंट सर्वेंट को उसके रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है, यानी वो कितनी हो सकती है बोलो, 56 लाख
56 लाख। अब 56 लाख यानी हाफ अमाउंट, हाफ करोड़ अमाउंट उसको टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलने वाली है, और इतनी बड़ी अमाउंट अगर उसको अचानक मिलेगी तो उसके ऊपर टैक्स भी उतना लगेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, इस स्कीम के हिसाब से डिवाइडेड बाय टू करते हैं, यानी 48 लाख जो है उसको 48 लाख जो अमाउंट है ये क्या कर देते हैं लोग, उसको एज अ लंपसम देते हैं और रिमेनिंग 48 लाख की इंस्टॉलमेंट चालू कर देते हैं, और पर मंथ एज अ पेंशन छोटी छोटी अमाउंट उनके सैलरी की तरह 50,000 60,000 आती रहती है, जो उनको बुढ़ापे में काम आती है मरने तक। और उसमें भी फिर उसके बाद 1995 में इस स्कीम में चेंज लाया गया। क्या चेंज लाया गया, कि जो पर्सन यह काम करेगा मे बी द मेल है या हम लोग अगर है, तो ये स्कीम के अंडर उसके टू चिल्ड्रन प्लस वाइफ इसके मर जाने के बाद पेंशन इनको देते रहेंगे, यानी ये मर गया 70-80 साल के बाद और इसकी अगर वाइफ जिंदा है तो ये पेंशन स्कीम यही अमाउंट इसको देते रहेंगे कनेक्टिविटी के लिए, जब तक कि उसकी वाइफ मरती नहीं है। यानी गवर्नमेंट जितना खर्चा तुम्हारे काम पे कर रही है उससे ज्यादा काम किए इसके लिए बेनिफिशियल करती है, दैट्स व्हाई टू बिकम गवर्नमेंट सर्वर। ओके, ये छोटी सी बात थी यहाँ पे। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट प्रोविडेंट फंड की, तो नेक्स्ट पॉइंट है एग्जम्प्टेड एम्प्लॉय, यानी जो ये स्कीम्स है वो किसको नहीं दी जाएगी, कौन से एम्प्लॉय को नॉट है अवेलेबल नहीं है अंडर गवर्नमेंट एग्जम्प्टेड एम्प्लॉय। अगर एग्जम्प्शन ढूंढेंगे तो एग्जम्प्टेड एम्प्लॉय मींस द एम्प्लॉय टू होम अ स्कीम ऑन द इंश्योरेंस स्कीम इन द केस मे बी would be the exempted under the section 70 are available. Some rules, rule of such establishment regarding, the rules are some regarding, contributions are equal to the better than those provided under this act. Yani is exempted kya hai? Ki contribution better hona chahiye, as better your salary, aur wo better saving honi chahiye. The appropriate government of the opinions that these benefits are not less favorable benefit provided under this act. और वो इतनी अमाउंट नीचे नहीं होनी चाहिए कि उससे हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, इसीलिए 1995 में बोला हुआ है मिनिमम उसका जो रिटायरमेंट कैसे रहेगी 2000 तो भी उसको पेंशन देना चाहिए, मिनिमम 2000 इसी रूल के हिसाब से बना हुआ है। यानी अगर तुम्हारी पेंशन की अमाउंट तुम्हारी सैलरी के हिसाब से 2000 से लेस हो रही है एज ए इंस्टॉलमेंट तो गवर्नमेंट उसको 200-300 रुपए डाल के 2000 करके देगी। ओके, देन द अदर कंसेप्ट्स आर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी इस रूल को कैसे बनाया जाता है या फिर इसको बनाया कैसे जाता है, तो प्रोसेस आर मेकिंग अल्टरनेटिव रिपेयरिंग फैक्ट्री एक्ट में उसको कहा यूज किया गया है, ऑब्जेक्टिव मीनिंग देन यूज इन फैक्ट्री एक्ट, यूज इन फैक्ट्री। ओके, यूज इन फैक्ट्री देखेंगे तो ऑल लेबर्स इन द वर्क इन द लेबर योर फैक्ट्री आर ऑल्सो एम्प्लॉय एंड दिस एक्ट आर फॉलो फॉर आउट ऑफ द मेन लेबर्स आर making of product, alternative of product making, repairing, fermentation, fishing, packing, oiling, washing, cleaning, drinking and emotion. इन लोगों को छोड़ के ये ज्यादा से ज्यादा करते हैं, यानी ये लोग temporary रहते हैं, यानी इन शॉर्ट temporary workers को ये स्कीम फॉलो नहीं किए जाते, उसके लिए उनकी सैलरी उतनी बड़ी नहीं होती है। अब इसके बाद इसको जो कंट्रीब्यूट किया जाता है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, कंट्रीब्यूशन। ओके,
कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 12% मिनिमम 12% ऑफ बेसिक वेजेस। अब इस बात को समझने के लिए मैं बताता हूं, कंसीडर योर वेजेस और सैलरी इज 50,000, इसका 12% 6,000 मिनिमम एज अ प्रोविडेंट फंड तुम्हें तुम्हारी सैलरी से निकालना पड़ेगा, और इसके ऊपर 6,000 एम्प्लॉयर देगा, 12,000 हो जाएंगे, और इसकी डबल अमाउंट पीएफ ऑफिस तुम्हें देगी 24,000। मिनिमम कितना 12%, तो इसके ऊपर कितनी भी 6,000, 7,000, 12,000, इट इज डिपेंडिंग ऑन यू, बट इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन यू कि तुम क्या करना चाहते हो। कि कम से कम 6,000 तो तुम्हारी पीएफ से काटा जाएगा, जो 12% ऑफ बेसिक वेजेस होता है, इट्स डिपेंड ऑन योर सैलरी। अगर तुम नहीं चाहते हो फिर भी 12% काटा जाता है, बाद में तुम्हारे रिटायरमेंट के टाइम वापस दिया जाता है। इट्स अ पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे कवर हो रहे हैं। The terms wages is not defined anywhere. The act basic wages means all remuneration which is earned employee as a salary. Basic wages किसे बोला जाता है? Total amount of salary to earn होती है, जिसमें other duties जैसे traveling allowance उसके बाद retirement amount and all add नहीं होती है, basic salary। उसके बाद other salary के expenses add किए जाते हैं। Then dinner allowance and रिटायरमेंट अलाउंस, उसमें ऐड करके नेट बेसिक या ग्रॉस बेसिक सैलरी काउंट की जाती है, और उसमें से कंट्रीब्यूट यानी फिर इसमें से पीएफ वगैरह निकाला जाता है। इट इज योर अकाउंटेंसी, वो अकाउंट के सब तुम्हें सिखा देने का। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट, रिकवरी ऑफ मनी। मनी को किस तरह रिकवर किया जाता है, यानी जो तुम्हें रिटायर अमाउंट मिलने वाली है उसको रिकवर कैसे कर सकता है? तो बस इन पेमेंट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन ऑफ द फंड, पहले उसकी पेमेंट ली जाएगी एज अ कंट्रीब्यूशन। जो मैंने प्रोसीजर बार बार बता रहा हूँ वही प्रोसीजर बार बार तुम्हें लिखना है कि पेमेंट रहेगी उसकी, उसके उतना ही फिर एम्प्लॉयर डालेगा। देन एक्युमुलेटेड अमाउंट एडेड बाय एम्प्लॉयर, the payment chargeable under the act in central provident fund commission, then reducing waivers and damages, and the government pay the host double amount of this. 100% may be allowed. In brief, the amount of added there, then minimum 50% are as a damage used there. Okay, then determination of money in case of dispatch relation applications, the money determined in both are employer and employee money, and this is counted okay. Then the okay, अभी एक एक एक्ट को ब्रीफली देखेंगे। जो मैंने चार स्कीम्स बताए थे रिकवरी ऑफ मनी के बाद का पॉइंट है, द फर्स्ट इज एम्प्लॉयर डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस एक्ट। Employee Deposit Link Insurance Scheme (1976). Okay, अब इस स्कीम के अंडर क्या है देखो, applicable
for scheme is the EPF under scheme 1952. All members EPF demanded the number of EDLI LIC policy approved by authority. ये LIC के अंडर होता है, यानी इसको निकालने के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में जाना पड़ेगा, उनका PFI है। The employee required to contribute 0.5% of the wages, या minimum 0.5% of wages उसको देना पड़ेगा of his salary। कंसीडर करो सैलरी 10,000 है, तो 0.5% कितना होगा, 500 रुपए होगा। Person who are entitled to receive the provident fund decrease the number of death and the member of EPF. कब तक मिलेगी, जब तक वो मरता नहीं है और उसकी वाइफ मरती नहीं है तब तक वो अमाउंट मिलती रहेगी। Then the next S is, उसके बाद उसने बोला हुआ है, is paid to amount equal to the average balance of account provident fund during period of 12 month. और ये कैसे दी जाएगी, जैसे मैं बोला कि total amount divided by 12 किया जाएगा और each month उसको दी जाएगी, मिनिमम 2000 तो भी होना जरूरी है। ओके, देन नेक्स्ट वन, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम 1995। ओके, तो पेंशन स्कीम में लोगों क्या बोला हुआ है, हैज बीन मेड फॉर एप्लीकेबल ऑन 16 नवंबर 1995। कब बनी है, 16 नवंबर 1999, रिस्टोरेड विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 1993। इसको स्टडी कब हुआ इसका, 1 अप्रैल 1993, और 1995 को कंप्लीट रूल्स रेगुलेशन लिख के रेडी हो गई। ओके, दिस न्यू स्कीम रिप्लेस फॉर द अर्लियर फैमिली पेंशन स्कीम 1995, यानी पहले स्कीम को कैंसिल करके इस स्कीम को फिर से बनाया गया, यानी इधर के सब रूल्स यहाँ यूज किए हुए हैं और इसको फिर बंद कर दिया गया। एम्प्लॉइज नॉट रिक्वायर टू कॉन्ट्रीब्यूट सेपरेटली अंडर दिस स्कीम, only the employee share PF contribution of 8.23% up to maximum 50,000, यानी उसकी salary का 8.33% उसको यहाँ देना पड़ता है और maximum 15,000 of his salary, that is 15,000 का double होगा, उतना employer देना, ऐसा करके 60,000 per month वगैरह मिलते हैं। ओके, the National Trust of Welfare Pension with Accumulated Salary, Mental Retirement and Multiple Disability Act 1999 are covered under this act. Okay? The monthly उसका जो calculation होता है pension का, वो कैसा होता है, pension salary monthly pensions equal to formula बनाया हुआ है, is equal to pension amount salary multiplied by pension amount service divided by 70. अब 70 की बार मिनिमम रिटायरमेंट की एज 70 है, तुमने कितने साल पेंशनेबल सर्विस है, तुमने कितने साल काम किए और सैलरी यानी तुम कितना कंट्रीब्यूट करते हो, जैसे अगर ये 15,000 होगा, 15,000 मल्टीप्लाई बाय तुमने 25 साल कहीं पे जॉब किए डिवाइडेड बाय 70, इसको सॉल्व करेंगे तो पर मंथ तुम्हें कितनी पेंशन मिलेगी, इसकी अमाउंट आएगी, कंसिडर करो, ये जीरो गया, ये जीरो गया, 7 × 7 = 14। ओके, उसके बाद रिमेनिंग 1 7 × 7 2.1 × 2.5 यानी 5,500 या 200 तक सैलरी आ सकती है पर मंथ, पेंशन उसको मिनिमम स्टार्ट होंगे।
उसके अंदर ये भी बात लिखा हुआ है मिनिमम पेंशन रुपीज 1000 पर मंथ एंड 20% एडिशनल रिलीफ, यानी कितना मिनिमम 1000 का पेंशन दिखनी चाहिए, उसके नीचे नहीं 1500-600 देना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इट इज योर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, यहाँ पे ये एक्ट खत्म हो रहा है और ये चैप्टर भी खत्म हो रहा है। मैं पॉज करता हूँ और इसी को फिर से रिलाइज करता हूँ फॉर नेक्स्ट लेक्चर, ओके। उसके बाद हम कल देखेंगे, नहीं नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पेमेंट ऑफ वेजेस एंड रिमेनिंग स्मॉल चैप्टर, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।